मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस कितनी तैयार है, इसका नमूना दमोह में देखने को मिला। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से भाजपा नेताओं के चेहरों पर शिकन देखने को मिली। वहीं कांग्रेसी सड़कों पर अपने नेता के स्वागत में पूरे जोश खरोश में नजर आए। कमलनाथ के दमोह दौरे ने राजनीतिक चर्चाओं को जोर दे दिया है। दौरे को लेकर हो रही तैयारियों से स्पष्ट था कि जिले के कांग्रेसी इस बार पूरी दम झोंकने वाले हैं। दमोह शहर सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों से हजारों की संख्या में कांग्रेस दल बल के साथ दमोह पहुंचे। रविवार को हर गली चौराहे पर कांग्रेसी जन नजर आ रहे थे। दोपहर 3 बजे के बाद हेलीकॉप्टर से कमलनाथ दमोह पहुंचते हैं, जहां कांग्रेसियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है। इसके बाद कमलनाथ खुली कार में दमोह की सड़कों पर निकलते हैं। रोड शो के दौरान वह जगह जगह खड़ी दमोह की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्वागत स्वीकार करते हैं, साथ ही हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगते नजर आए। रोड शो के बाद कमलनाथ ने हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को मंच से संबोधित किया और शिवराज सिंह पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि मामा शिवराज नाम का मामा है। जब प्रदेश में शिवराज सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े तो मध्य प्रदेश बलात्कार में सबसे आगे निकल गया। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्शा। ऐसे मामा है कि जैसे मैं कह रहा था, महिला अत्याचार में नंबर वन मिस्टर मामा, बलात्कार में नंबर वन मामा जी, और ये आप कलाकारी से हमारी भोली भाली माताओं और बहनों को कैसे गुमराह करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता सरल सीधी सादी है, आपको बड़े प्यार से विदा करने वाली है। 4 महीने में बड़े प्यार से आपको विदा करेंगे और मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाएंगे। आज हमारा मजदूर होए, हमारी महिलाएं होए, माता और बहनें वहां दूर बैठी हैं, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप इनकी कलाकारी समझिए। किस प्रकार सोनिया गांधी जी ने आपके लिए योजना, संत आचार्य तरुण सागर जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बड़े महान हमारे एक संत थे, मैं भी उनका शिष्य था। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह आदिवत 1.5 घंटा लगा मुझे, 1.5-2 घंटे लगे, देख रहा था कितना उत्साह है नौजवानों में, कितना उत्साह नौजवानों में, खुशी तो हो रही थी। सबने मेरा पसीना तो निकाला स्वागत से, पर मेरा खून भी 250 ग्राम बढ़वाया।